आज हम जा रहे हैं राइड पे। भूत दिख रहा है, भूत भूत दिख रहा है। So guys, हम लोग हो गए फुल सेट आज। आज हम जा रहे हैं राइड पे और कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, थोड़े टाइम में आपको बता दे। सब बाइक में ही जा रहे हैं और ये बहुत अचानक भयानक प्लान बन गया था। बस अभी गुरप्रीत भी आया है बहुत सालों के बाद, तो हमने डिसाइड किया कि हम राइड कर रहे हैं। अभी शाम के 5 बजे कहाँ जा रहे हैं थोड़े टाइम के बाद बता दे। चिल्ला रही क्यों है? ये रहा हमारा गुरप्रीत, यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहा है। आधे घंटे से बेचारा नीचे खड़ा है। जंजीर पर गई ना पैर में तेरा घूमना पर। जंजीर मालूम है कौन है? नहीं कौन है? हम लोग तो फंसे हुए हैं। ये जंजीर तो कोई नहीं हटा सकता। ओ भाई फुल ऑन चेकिंग चल रही है। गाइज अभी हम लोग आरती रस्ते आ गए हैं, वसे विरार हाईवे पर है और अभी हम लोगों ने एक हॉल्ट लिया है क्योंकि हमारे कुछ और दोस्त ज्वाइन होने वाले हैं, शायद हो सकते हैं क्योंकि ज्वाइन करेंगे, बट हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, फटाफट आगे जाएंगे। सनसेट हो चुका है, 6 बज चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमको भी जल्दी पहुँचना है। और भाई ये रही अपनी गाड़ी, जो अपने साथ जो गाड़ी है वो है R15 और एज यूजुअल अपनी KTM जो अपन ने बनाई थी, जिसपे इतनी मेहनत की है। और सनसेट का व्यू आपने देख लिया होगा, सिनेमैटिक उन्होंने जो डाले हैं। बस अभी थोड़ी दूर है यहाँ से खेलवा, लगेंगे 1 घंटे तो और लगेंगे यहाँ से ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हम थाने से जस्ट फाउंटेन क्रॉस करके रुके हुए। और भैया ये एकदम सडन प्लान था, कुछ भी प्लान नहीं हो रहा था, बस हम मीटिंग में मिल रहे थे क्योंकि गुरप्रीत की आज छुट्टी थी ऑफिस की, तो हमने सोचा कि चलो मिलते हैं तो टाइम पास करेंगे। ऐसा सडन प्लान बना कि अभी हम लोग ने प्लान किया कि हम खेलवा जाते हैं। कल रात को हम प्लान कर रहे थे रत्नागिरी जा रहे, लेकिन बारिश हो गई थी रात को, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इसका हम लोग रत्नागिरी नहीं गए। और अभी गोराई जाने का प्लान कर रहे थे, गोराई हम ऑलरेडी जा चुके हैं, तो अभी हम लोगों ने सोचा कि चलो खेलवा जाते हैं, एक राइड भी हो जाएगी और अपन थोड़ा घूम कर भी आएंगे। लेकिन एज यूजुअल KTM में 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने RC नहीं लेकर आई क्योंकि बैक बहुत पेन होता है मेरा, मैं उसका यूज़ तो नहीं हुआ हूँ। अपन ने इसमें 2 जन जाएंगे आराम से, क्योंकि एक बैकअप भी रहना चाहिए ना, कभी किसी को कुछ हो गया या नहीं चला रहा है तो कोई दूसरा चला सकता है। और ऐसे ज़्यादा दूर नहीं, आराम से बैठ के जाएंगे। आप सिनेमैटिक एंजॉय करना, खेलवा जाकर आपको मिलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं केलवा, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, अंदर ले लिया हाईवे से, तो अभी बस थोड़ा ही रास्ता बाकी है। और अभी बज रहे हैं 7, वो गुरप्रीत को जो वहां से दिखा रहा है लेकिन मैं आपको नहीं दिखा सकता, गाड़ी वगैरह अंदर ही पार्क की है। बस थोड़े टाइम में यहाँ पे निकलेंगे एंड फिर बीच में जाके देखेंगे, वैसे अभी बीच में कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं बट फिर भी जाएंगे एंड थोड़ा बीच के हवा का मजा लेंगे, क्योंकि रात को भी ना बीच में बहुत ज्यादा मजा आता है। कभी कभी बीच में मुझे तो रात को बहुत ज्यादा मजा आता है, आपको आता है या नहीं जरूर बताना, और आपको बीच पसंद है या माउंटेन ये भी जरूर बताना। गाइज ये है अभी हमारा 3rd हॉल्ट, एक हाईवे पे रुके थे फिर एक बीच में रुके जब हम लोग ने अंदर ले लिया था, अभी वापस हम गोराई नहीं सॉरी हम केलवा के थोड़े ही दूर है, थोड़ा ही मतलब 20 मिनट का रास्ता यहाँ से दिखा रहा है, और बहुत ज्यादा अंधेरा आप जैसे कि देख सकते हो। और हम फिर से रुक गए हैं यहाँ पर होटल में, हम लोग सोच रहे कुछ खाने के लिए लेकर जाते सो दैट एटलीस्ट हम बीच में जाकर अगर कुछ नहीं मिले, क्योंकि हम लोग केलवा आए तो हमको मोस्टली बीच में कुछ नहीं मिला, तो रात भी हो गई है तो जो होटल लास्ट में खुला है हम सोच रहे यहाँ से कुछ ले लेते एंड फिर अपन क्या कभी भी खा सकते हैं, तो बीच में खाएंगे और हवा के साथ मजा लेंगे, क्लाइमेट का मजा लेंगे, बीच का मजा लेंगे, वहां पर जाके खाएंगे तो दोस्तों के साथ मजा ही कुछ आता है। आप भी बताना, आप भी ऐसे दोस्तों के साथ कभी कहीं भी किधर भी निकल जाते हो क्या? नहीं बस अभी रुके हैं, देखो पूरा सुनसान रास्ता है, सिर्फ एक होटल चल रहा है और ये साइड भी पूरा सुनसान है। आई थिंक ये बिलास के लिए है, और मैंने अभी देखा ना यहाँ पर ट्रेन लाइन है और यहाँ पर बहुत बड़े हाईवे बन रहे हैं, आई थिंक जो दिल्ली मुंबई बनने वाला है वो यहाँ से भी कनेक्ट होगा,
लेट्स सी क्या होता है। जाते हैं बीच में, बस थोड़ा खाने के लिए ऑर्डर किया। क्या क्या ऑर्डर? चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी और चिकन पकौड़ा। तो चिकन क्रिस्पी चिकन पकौड़ा ऑर्डर कर लिया, वो आएगा फिर अपन खा के निकलेंगे। खाएंगे नहीं, बीच में आके खाएंगे मस्त। ये देखो भैया कैसा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद गाड़ी चला के काफी सालों बाद देख रहा हूँ बीच भी, पर थोड़ा आगे अंधेरे में। हम लोग कोविड के पहले आए थे शायद, के बाद अभी आ रहे हैं, मतलब 2020 में आ रहेंगे, 1920 में 17 या 16 में आए थे अपन यहाँ पे। हाँ, और तभी अमनदीप भी था, हम लोग गाड़ी में कार में आए थे और रात को वो भी अचानक ऐसे ही प्लान हुआ था, 8-9 बजे कुछ निकले थे हम लोग और फिर सुबह ही घर पर गए थे। अभी बस यहाँ से निकलते और बीच जाते। सो गाइस हम लोग बीच के पास तो आ गए, लेकिन सब कुछ यहाँ पर बंद दिख रहे हैं और पता नहीं यहाँ पर गाड़ी जाती भी है या नहीं। मुझे नहीं लगता गाड़ी नहीं जाती यहाँ पर, सब बंद। गाड़ी लेके नहीं जा सकते भाई, गाड़ी नहीं लेके जा सकते, नहीं डर जाएगा क्योंकि पानी आता कहाँ है, ये रेती में गाड़ी नहीं चला सकता। तो देखो फुल सब बंद हो गया यार, लेकिन कितने लेट पहुंचे हम लोग। सो अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए केलवा बीच, और जैसे कि आप देख सकते हो ये सब कुछ बंद है यहाँ पर, और हम लोग गाड़ी के लाइट में हर मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, और यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है क्योंकि जो शॉप्स वगैरह वो सब बंद हो गए बीच के आसपास। गोराई जैसा यहाँ पर नहीं है, बट या बीच की हवा खा रहे, मजा ले रहे। आज इतनी ज्यादा हवा नहीं चल रही है, लेकिन जब 3-4 दिन पहले हम गोराई गए थे तो बहुत ज्यादा मजा आया था, सिर्फ पानी की आवाज आ रही है। अभी थोड़े टाइम के बाद बीच में जाएंगे, अगर गए तो आपको दिखा देंगे बैक साइड, वरना फिर यहाँ से थोड़े टाइम पे निकल जाएंगे। रुक कर मतलब नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, तो रिस्क नहीं लेना है, आराम से आए हैं, आराम से घर जाएंगे एंड फिर घर जाके मचाएंगे। तो गाइस ये रहा गुरप्रीत एकदम बीच के पास, और हम लोग आ गए समुंदर के पास एकदम, और आधी उधर है एकदम वो झाड़ ही दिख रहे आपको, वहाँ पर वो खड़ा है। गुरप्रीत को आने का था पानी में, बोला चलो जाकर आते हैं। ये नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा, मेरे जूते पहने हुए, ये तो चप्पल चप्पल पहने हुए, चप्पल खोल भी दिया क्या आ रहा है। लेकिन भाई पानी, तू जा मैं इधर खड़ा हूँ तुझे देख रहा हूँ, फिर चले मत जाना वापस आना, नहीं नहीं आओ डूबेगा तो आ जाऊंगा मैं, फिर चाहे जूता गीला हो या कपड़े गीले हो तेरे लिए आ जाऊंगा। हाँ भाई आता है ना स्विमिंग, आता है लेकिन समुंदर में नहीं आता, ज्यादा अंदर मत जा। ये देखो फुल ऑन इधर तक पानी आ रहा है, और ये भाई वहाँ पे चला ही भी है। तू भूत दिख रहा है, भूत दिख रहा है, डरावना दिख रहा है, ऐसा लग रहा है समुंदर के पास भूत खड़ा है। ओ भाई पानी यहाँ तक आ गया, ये देखो ये रहा यहाँ पे लग पानी भाई, ऊपर आ रहा है, आजा बाहर आजा। मैं किधर खड़ा था, एक पानी यहाँ पे आते ही जा रहा है, आजा आजा धीरे धीरे बढ़ेगा पानी। तो भाई अपन केलवा तो पहुंच गए, ऐसे वैसे करके कैसे करके केलवा तो पहुंच गए, और अभी इधर चलने नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने जूते डाले तो मट्टी के साथ बहुत चिपक रहा है। जाकर आ गया भाई, फाइनली तेरी मनोकामना पूरी हो गई। कितना सन्नाटा है इधर पूरे समुंदर के पास, ऐसे बोलते रात को आना नहीं चाहिए, बट कोई नहीं फिर भी हम आते हैं, हम लोग फालतू लोगों के साथ नहीं आते। अभी वो किधर है रे भाई, अपने को जाने किधर है, आया ही नहीं वो लास्ट में, डर लग रहा है। हाँ, वो डरता है इधर रात को आने के लिए। ये पानी से निकल के ना जूते तो ऐसा लग रहा है नीचे का सोल ही निकली है, अभी चिपचिप हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। खड़ा खड़ा भाई, वो देखो रोशनी आ रही है। तो गाइस हम लोगों ने पूरा यहाँ पे लाइट चालू कर दिया है, देखो लाइट वगैरह चालू, लेकिन सारे दुकानें बंद है यहाँ पर, और वहाँ पर है बीच जो कि हम लोग ऑलरेडी जाकर आ चुके हैं। अब अंधेरे में कुछ ज्यादा दिख रहा नहीं है, बट कोई नहीं चलता है, थोड़ा गाना वीना सुनते हैं और फिर निकलते हैं। फिर से बंद कर दिया यार, हमको सिर्फ देखने के लिए चालू किया था लगता है। ओ भाई पानी आ गया, पानी आ गया। वहाँ गुरप्रीत और अपना एक नया दोस्त बन गया इधर, वो उधर घूम रहे, और यहाँ पर बहुत ज्यादा कीड़े दिख रहे हैं, तो अभी रात में कुछ दिखेगा नहीं। सो गाइस वो देखो हम लोगों को घर जाना था, लेकिन वहाँ पे गुरप्रीत यहाँ से हट रहा ही नहीं है। मैं और आदि यहाँ पर कॉर्नर में खड़े क्योंकि हमको पानी में नहीं जाना, हमने शूज भी पहने हुए, और रात को हम पानी थोड़ा अवॉइड करते, समुंदर किनारे हम अवॉइड करते, लेकिन अवॉइड करना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जरूरी है। तो भैया गुरप्रीत एंजॉय कर रहा है, उसको करने दो, वो रहा उधर खड़ा है, उसको 2 मिनट शांति देने दो। अगर उससे कुछ हुआ तो हम दोनों को स्विमिंग आता है, तो हम जाके बचा सकते हैं उसको, अगर दोस्त डूब रहे हैं तो हम उसको बचा सकते हैं, लेकिन हम खुद को भिगा नहीं सकते, लेकिन दोस्त के लिए तो जान हाजिर होती है ना। थोड़े टाइम में यहाँ से निकल रहे हैं एंड फिर आपको डायरेक्टली ऑन द वे मिलते हैं थाने, जाकर मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत डार्क हो रहा है, मच्छर बहुत आ रहे हैं कैमरा के आगे। मिलते हैं थोड़ा टाइम के बाद। तो हम लोग केलवा से तो निकल गए थे, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं मिडल ऑफ द हाईवे, बस एक ब्रेक लिया है। तो अंदर आग खराब हो गए थे, आग से पानी निकल रहे, कीड़े वीड़े आ रहे थे, और अंदर कुछ दिख रहा नहीं था। लकीली अपने पास लाइट है गाड़ी की, तो टेंशन नहीं,
सो फार सो गुड। बस अभी थोड़े और टाइम है, डेढ़ घंटा लगेगा और थाने पहुंचने के लिए, घर पहुंचने के लिए। तो बस जाते हैं घर। मैंने बहुत चिल्ला लिया। ओ अंकल अंकल, उठ रहे उठ रहे, थोड़ा और थोड़ा और। सो गाइस, हमारा अभी फॉग लाइट एकदम लूज हो गया था, इसका स्क्रू निकल गया था, तो लकीली अपने पास टूल किट था, तो मैंने अभी टाइट कर दिया, अभी टाइट हो चुका है। बस अभी निकलते हैं क्योंकि रास्ते पे इतने गड्ढे हैं, खड्डे हैं, उसके वजह से लूज हो जाता है वाइब्रेशंस की वजह से भी। ये बुलेट में भी सेम सीन होता था, बट कोई नहीं, अभी टाइट हो गया। अभी अपना लाइट फाइनली बच चुका है, अभी अपन निकल गए थाने के लिए। बस अपने थाने जाकर मिलते सीधा। सो गाइस, फाइनली हम सब आ चुके हैं घर, मैं भी आ चुका हूँ अपने घर, सब अपने अपने घर सेफली पहुंच चुके हैं। राइड में बहुत ज्यादा मजा आया, बस ये इवनिंग शॉर्ट राइड थी। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।